अभी कुछ ऐसा रील्स बनाने का मन कर रहा है। बादल बरसा बिजली, लेकिन अभी अगर भीग गई ना तो बहुत मुश्किल है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो सब? हम बिल्कुल बढ़िया। आज सर का मर्जी है कि पिज्जा पे शुरू पिज्जा पे खत्म वाला ब्लॉग होगा। तो इतना बारिश हो रहा है तो छाता लेके मैं वेट कर रही हूँ। भैया का भी रास्ते में है, भैया पिज्जा लेना है। तो यहाँ से हम अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं, साथ में बने रहिए। आशा करती हूँ बहुत अच्छा लगेगा। ए देख रहे हैं बेटे हो, ये बेटे में खंती नहीं। हो गया भाई। तो यहाँ पर चिंपू ने बनाया है पिज्जा और यहाँ पर चौंपक ये कौन सा पिज्जा है जो आपने बनाया? कैप्सिकम पनीर नहीं है यहाँ पर, टमाटर भी नहीं है, पनीर सिर्फ कैप्सिकम डालकर रख दिया। नहीं, पनीर भी बहुत कम है। चलिए तो अब दिखाते हैं आप लोगों को एक्चुअल पिज्जा। और ये रहा ओरिजिनल पिज्जा। ये है कैप्सिकम पनीर मखानी। चलिए फिर एंजॉय करते हैं हम लोग पिज्जा। यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो सीजनिंग को एकदम मिक्स कर दिया है, तो एंजॉय करते हैं, है ना? सो वीडियो लेते लेते पनीर क्या पिज्जा ही ठंडा हो गया पूरा। ठंडा पिज्जा ही श्रेया ने अलग अलग एंगल से पूरा इसका वीडियो बनाया। और मेरा बोनस दिखा दीजिए। हाँ, इनका बोनस दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं भीग के लाई हूँ ना। अच्छा, ये है मेरा बोनस, वेज पार्सल। हाँ, मैं भीग के लाई हूँ बिल्कुल, इसलिए। और इसके साथ ये तो है ही, मतलब भीगने से पहले बोनस ऑर्डर हो गया था। देखिए चंपक ने इसका मिलिट्री निकाल दिया आधा, और इनका अपना ये मोबाइल है क्या? ब्लॉगिंग है। चिंपू तुम्हें की खाचो बाबू? गार्लिक ब्रेड स्टिक। बहुत चेंज हो गई है, पहले एक नहीं दो नहीं तीन नहीं कितने दे दी थी। क्या क्या क्या? एक देने से चिल्ला रही है। कौन ये? और आपका मोबाइल दिखाइए तो कैसे ब्लॉगिंग करते हैं। क्या खा रहे हो आप? ये इनका है गार्लिक ब्रेड, हमेशा इनका गार्लिक ब्रेड रहता है। मुझे थोड़ा सा दे देते। हाँ, इनके दीदी के साथ अभी हो रहा था कि नहीं देंगे ना। शेयरिंग अभी देखो कितना दे दिया। शेयरिंग इज केयरिंग। आइए कितना दे दिया। तो चलिए खाना हो गया। श्रेया अभी तक पिज्जा उनका खत्म नहीं है, उसके बाद उनका वो वेज पार्सल भी है जिस पे सबकी नजर है। मेरी भी, आपका भी। कैची लेके आते हैं अभी, छोटा छोटा कट करते हैं। एक दूसरे के सहारा होके हम लोग अभी ब्रश करके आए। हाँ बिल्कुल, छाता पकड़ा मैम ने तो मैंने ब्रश किया, मैंने पकड़ा तो और मैम ने पकड़ा तो मैंने ब्रश कर लिया। एक ही बात सर ने दो बार बोल दिया। मैम ने पकड़ा, मैंने ब्रश किया, मैंने पकड़ा, मैम ने ब्रश किया, एकदम पता नहीं शायद अलग ही बोला था। खैर जो भी है, ब्रश वगैरह करके आई हूँ, थोड़ा थोड़ा क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रहा है। तो फ्रेंड्स कहते हैं ना, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना है। अब देखिए जो चीज होना होता है वही होता है, चाहे हम कितना भी प्लानिंग्स कर ले, बट ठीक है प्लानिंग्स करना जरूरी है, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल ना हो तो दुखी भी नहीं होना है, आगे का सोचना है। अब इतना सारा ज्ञान मैंने क्यों दे दिया? ऐसे ही हमारे साथ हुआ है कुछ। तो हम लोग आज पैकिंग वगैरह हो जाता सब कुछ, बट पैकिंग नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि कल का हम लोगों का जाना था बहुत ही एक होली प्लेस, मतलब फेमस प्लेस जाना था और दिल से छूने वाला प्लेस जाना था, जो था हमारा मायापुर। आप लोगों ने बंगाल में अगर आए होंगे विजिट किया होगा या नेट पर भी सर्च कर सकते हैं मायापुर इस्कॉन मंदिर। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या पूरे बंगाल में जिस एरिया में हम लोग हैं तो यहाँ पर रेड अलर्ट जारी हो गया है, क्योंकि बारिश के मौसम भी नहीं है फिर भी बारिश हो रहा है। बारिश के मौसम में ये साइक्लोन है, ये वो निम्नो चाप जिसे कहते हैं बंगाली में, साइक्लोन प्रेशर आप बोल सकते हो। हाँ, उस तरीके का कुछ। हाँ, तो मतलब ये कंटिन्यू हो रहे बहुत दिन से, और अभी भी लगभग दो तीन दिन नेट पे और दिखा रहे, मतलब वेदर फोरकास्ट में और दिखा रहे,
पता नहीं कब तक ये कंटिन्यू होगा, जिसके वजह से क्या है ना, माइथन डैम, पंचर डैम, सब जगह से पानी छोड़ दिया गया है, गेट खोल दिया गया है। दो तीन बड़े बड़े जो डैम है ना उसमें एकदम जो बोलते ना डेंजर पॉइंट, वहाँ तक पानी चला गया तो गेट खोलना पड़ा। पता है आपको गेट खोलने का मतलब क्या हो गया? हाँ, तो चारों तरफ बहुत सारे जगह पर तो बाढ़ मतलब उस लेवल पे नहीं, बट हाँ पानी घुस गया है घर के अंदर। तो जो जगह नीचे नीचे है ना, वो सारी जगह में बहुत मतलब घुटने तक पानी है, ऐसा हालत हो गया। जो कुआं होता है ना, कुआं बंगाल में कुआं मिलता है, गाँव में भी कुआं होता है, भी कुआं ही होता है। हाँ, तो वो उसका पानी बहुत नीचे रहता है, तो वो ना जो दड़ी रस्सी से बाल्टी लगा के वो खींचते हैं, उसका कुआं का पानी भी ना पूरे ऊपर तक आ गया है जिनके घर में है। तो ऐसा ऐसा हालत है यहाँ पर। तो अब ना फ्रेंड्स, हम लोग जहाँ जाने वाले थे वो है मायापुर नवोद्वीप, मतलब हाँ बिल्कुल मैम ने ठीक बताया, नवोद्वीप से, यहाँ से हम लोग नवोद्वीप जाते हैं ट्रेन में, नवोद्वीप से मायापुर गंगा नदी को क्रॉस करना पड़ता नाव से। तो अभी आप समझ सकते हो नदी को क्रॉस करना भी एक मतलब डेंजर है। मतलब देखिए, होने को तो शायद कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जब इस टाइम पे ना मतलब सब जगह से लोगों को पहले से अलर्ट कर दिया गया है कि नहीं, आप लोग जो लोग मतलब नदी के आसपास में रहते हैं ना, उन लोगों को पहले ही बोल दिया गया है आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि मतलब डेंजर जोन है अभी भी। और एक चीज, हम लोग कंसर्न इसलिए भी थे कि लेट से हम लोग चले भी गए, गंगा नदी पार भी कर गए स्टीमर से, और उसके बाद अगर ट्रेन बंद हो गया इधर आने का, तो फिर हम लोग फंस जाएंगे वहाँ, फंस जाएंगे, और तीन दिन का टूर है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। तो अभी फ्रेंड्स, इतना बारिश जब हो रहा है ना, तो मतलब हम खुद भी यही मतलब करेंगे, और हम वीडियो के थ्रू यही बताना चाहेंगे, कोई भी पानी वाला जगह जो है ना, अभी सबको ही अवॉइड कीजिए, क्योंकि अभी जो पानी का जो फोर्स होगा ना, वो कई गुना ज्यादा होगा, जो प्रेशर होगा पानी का, तो मतलब उसको अवॉइड कीजिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग होंगे जो कि एंजॉय करते हैं पानी में, बट ठीक है, वो मजा अलग है, लेकिन देखिए मतलब कहते हैं ना, हाँ बंगाली में एक कहावत है कि सावधानी को ना मान नहीं, मतलब इसका मतलब है कि आप कितना भी सावधानी रहो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिल्कुल यही होता है उसका मीनिंग। तो मतलब बस ये है, तो इसलिए हमने भी फाइनली संडे आज सुबह, हालांकि हमने रूम बुक कर लिया था नवोदीप मायापुर जो हम जा रहे हैं, हमें बहुत दिन से इच्छा था इस्कॉन टेम्पल, मतलब कृष्ण जी का मंदिर, और हमारा भी मन में बहुत शौक हुआ है कि घर पे लड्डू गोपाल लाना है। खैर वो तो बात की बात है, जब हम अपने घर में मतलब फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, वो तो आप लोग देखोगे। तो इसी के वजह से ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि चलिए मायापुर जाना है, मायापुर जाना है, लेकिन बात अभी ये हो गया है कि नहीं, हमने कैंसिल कर दिया। तो हमने क्या किया था ना, दो दिन पहले हमारा फाइनल हुआ था, हमने रूम बुक भी कर लिया था, तो वहाँ पे सब लोग इतना बढ़िया मतलब अच्छे है कि आज हमने फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसे रेड अलर्ट हो गया है, तो जाने में थोड़ा रिस्की लग रहा है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप कल कॉल कीजिए, तो मे भी हमें पैसा रिटर्न मिल जाए। हमने दो रूम बुक किया था हम लोगों ने वहाँ पर, क्योंकि जो इस्कॉन मंदिर का अपना जो भवन है ना, चार भवन है, उसमें से सबसे जो अच्छा नियरेस्ट है वो गदा भवन। हाँ। तो उसी में हम लोगों ने किया था, मिलता नहीं वहाँ पर, बट लकीली हम लोगों को मिल गया था। तो हमने वो किया था, जो कि हमारा मतलब जो अमाउंट हमें लगा था, उन्होंने बोला कि कल आप एक बार कॉल कीजिए, तो मे भी वो हमें रिटर्न मिल जाए, तो ठीक है। मैंने उनसे ये भी पूछा था कि ऐसा कोई ऑप्शन है कि हमें रिटर्न नहीं चाहिए, ये बारिश खत्म हो जाए फिर हम जा पाए, उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होता है, जब आप फिर आओगे फिर आपको बुक करना पड़ेगा। तो मतलब ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल हमने कैंसिल कर दिया फ्रेंड्स। तो स्टार्टिंग में मैंने जो पॉजिटिव दो तीन एडवाइस दे दिया, तो इसीलिए दे दिया, लेकिन इसके लिए हम डिमोटिवेट या तो दुखी नहीं होंगे कि आगे और प्लान करेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब बस ये है कि हम लोग तो बारिश में फिर भी घर पे है, सेफ है, बहुत सारे लोगों घर में पानी घुस गया है, अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, कितना सामान वेस्ट हो रहा है, लोगों को अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ रहा है, उन लोगों के मतलब उन लोगों से तो हम बहुत अच्छे है ना, हमारा तो एक प्लान ही कैंसिल हुआ है ना। तो बस यही है, तो ये रहा आज का इवनिंग हमने, और ये तो डॉल कहाँ से निकाला पता नहीं, कपड़ा भी कहीं और का है, डॉल भी कहीं और का, सेट कर दिया, और मुंह से लेके पूरा शरीर में कलर पेंसिल से मतलब ठीक है जी, तुम भी बोसे खा लो। तो फ्रेंड्स, जो भी है आज का इवनिंग हमने, अच्छा अच्छा, तो आज का इवनिंग हमने मतलब एंजॉय करने का मतलब थोड़ा सा अलग ही प्लान किया कि चलिए घर का तो डेली खाते हैं थोड़ा, अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में ऐसे दिखा देंगे, लीजिए। अच्छा अच्छा, वो कुछ दिखाती है तो बोल रही है कि काटिएगा मत एडिट करने के टाइम, बहुत कष्ट से मैंने दिखाया ये। तो खैर फ्रेंड्स, जो मैं बोल रही थी कि आज का इवनिंग जो है हमने थोड़ा सा अलग से मतलब कोशिश किया कि थोड़ा चलिए एंजॉय करते हैं, क्योंकि घर का खाना तो हमेशा ही खाते हैं, तो बारिश का मौसम में पिज्ज़ा ऑर्डर किया था,
हालांकि पिज्जा थोड़ा ठंडा हो गया था, बट फिर भी ठीक है, मतलब इतना बारिश में जो घर पे मिल गया यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, मतलब जो अभी जो डिलीवरी वाले भैया होते हैं, आप सोचिए हम लोग तो बारिश में घर पे एकदम आराम से बैठे, वो लोग डिलीवरी कर रहे हैं बाइक से लेके, तो उन लोगों को एकदम थैंक यू, क्योंकि मतलब उन लोगों का भी फैमिली यही समझ में आता है कि चलिए वो लोग फैमिली को घर पे छोड़ के अपने काम पे फोकस इतना करके रखे और हम लोगों को खाना मिल जाता है बहुत उनके लिए। और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कभी अगर उनका थोड़ा लेट हो जाए तो प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, बहुत सारे लोग होते हैं बहुत गुस्सा करते हैं टाइम पे क्यों नहीं, क्योंकि रास्ते की बात है फ्रेंड्स। मैं और सर जब दिल्ली में भी इधर उधर जाते रहते हैं तो जो डिलीवरी बॉयज होते हैं ना स्पेशली, वो लोग ना बहुत स्पीड से बाइक लेके जाते हैं इधर से उधर से जहाँ भी जगह मिलता है, तो उसमें ना एक्सीडेंट होने का डर बहुत ज्यादा रहता है, तो उन लोगों का एक टाइम बाउंडेशन होता है। खैर जो भी है, तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर रहे हैं फ्रेंड्स। रात ज्यादा नहीं हुआ है आज, तो रात ज्यादा नहीं हुआ है, 11:15 बज रहे, तो कल एक न्यू ब्लॉग के साथ आती हूँ बहुत ही जल्दी। नहीं दुखी वाला ब्लॉग नहीं होगा, क्योंकि आज भी हमने दुखी से नहीं एंजॉय करके किया, मायापुर का ट्रिप कैंसिल हुआ, लेकिन नेक्स्ट जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो जाएगा होपफुली। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी, आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, हम अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आज के लिए लव यू ऑल, टाटा, गुड नाइट।